हेलो एवरीवन, मैं सुदीप आपका टीचर एक बार फिर से आ गया हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, जैसा कि कल बात हुई थी और मैंने आपको बताया था कि अभी पोजीशन पर और भी क्लासेस आएंगी जिनका एक पार्ट मैं आपके सामने फिर लेकर आ रहा हूँ। और सबसे पहले मैं करता हूँ कि मैं कल वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा आसानी होगी समझने में। जी हाँ दोस्तों, तो कल ये एनिमेशन मैंने आपको बनाकर दिखाया था, आप देख रहे होंगे, एक माउस प्यारा सा और कूदता हुआ जा रहा है धीरे धीरे धीरे, जंपिंग। तो आज मैं आपको कुछ दूसरा चीज दिखाने चल रहा हूँ दोस्तों, दूसरी पोजीशन पर सिखाने चल रहा हूँ कि आखिर एग्जैक्टली ये है क्या। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ इलस्ट्रेटर और इस फाइल को आप देखिए। ये उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। सॉरी, यहाँ से मैंने इसे ऑफ कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ये एनिमेशन किस तरीके से बना है और इसे क्या करना है। और ये देखिए जी, तो अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप उससे इसको इस क्लास को फिर से देख लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसे एक नए पाथ पर एक नए तरीके से चलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूं पाथ के लिए। इसको मैं हटा देता हूं, ये खत्म हो गया। यहां से मैंने इस पाथ को डिलीट कर दिया, सॉरी पूरी इमेज डिलीट हो गई जो कि उस पाथ पर थी वो। और पोजीशन ये पोजीशन खत्म हो गई। अब मैं काम करता हूं, मैं इलस्ट्रेटर पर ओपन कर लिया है मैंने अपना इलस्ट्रेटर, आई मीन आप भी कर लीजिएगा, और इस पे एक लिप्स टूल बनाता हूँ। मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक तो ये समझा रहा हूँ, ये मैंने एक सर्किल बनाया, या एक काम करते हैं मैं आपको कुछ अलग डिज़ाइन से बनाकर समझाता हूँ। एक मिनट, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। यहाँ पर हम आते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, माफ करिएगा, यहाँ पर हम एक मैंने एक ट्रायंगल लिया, इसको मैं 20 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसे 20 से डिवाइड कर दिया, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पाथ फाइंडर लगाकर इसको डिवाइड कर देते हैं। सिंपल, अब इतना ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें लगा देते हैं कलर। सबसे पहले इसको अनग्रुप करते हैं, अनग्रुप किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इस पे एक कलर दे दिया, सपोज थोड़ा सा ब्लू कलर दे देते हैं, ओके कर दिया। दूसरे पॉइंट को भी कलर दे दिया, इसको थोड़ा अलग कलर दे देते हैं, मान लीजिए मैंने ये कलर दे दिया, और इसको सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको कॉपी करिए, कंट्रोल एन करते हैं, एक न्यू फाइल लेते हैं और न्यू फाइल में इसको पेस्ट कर देते हैं। न्यू कंपोजिशन लिया, क्रिएट किया और यहाँ पर इसको पेस्ट किया, और ये हमारा कंपोजिशन अभी काफ़ी बड़ा है, तो हमारा ये जो है आर्ट बोर्ड लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये हमारा कंपोजिशन इतना आएगा। इस फाइल को हम सेव करते हैं, सेव कर दिया मैंने इस फाइल को अपने डेस्कटॉप के आफ्टर इफेक्ट की क्लास में, और ये रही क्लास। यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट, और ये फाइल सेव हो गई आपकी ऑब्जेक्ट में। जल्दी से मैं अब आफ्टर इफेक्ट पे आता हूँ, यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, इस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ। ये रही मेरी AI की फाइल, मैंने इसको इंपोर्ट किया और ये फाइल यहाँ पर आ गई, इसे मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ। ये देखिए, ये फाइल को वहां से मैं यहाँ लेकर आ गया। अब मैं काम करता हूँ, फिर से मैं इलस्ट्रेटर पर चलता हूँ और अपने एक डैशबोर्ड पर आता हूँ वापस इस पर। यहाँ से मैं इसको, सॉरी, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ये काम करते हैं, सीधा नया ही ले लेते हैं, नया क्रिएट कर देते हैं। दोस्तों माफ करिएगा, थोड़ा जुकाम हो रखा है मुझे। और यहाँ से एक एलिप्स टूल लेते हैं, ये मैंने एक एलिप्स टूल लिया, इसको कॉपी किया
और इसकी पोजीशन पर सेलेक्ट करके मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए, ये बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि हम स्केल पे कोई एनिमेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप आसानी से इसको छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, अब जो एनिमेशन तैयार हुई वो कुछ ये तैयार हुई। ये देखिए, ये रोटेट कर रहा है चारों तरफ इसके। पहले तो ये वर्क एरिया को थोड़ा कम कर दूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। मैं ये नहीं चाह रहा दोस्तों, देखिए ये रोटेट तो कर रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पोजीशन के साथ रोटेट करें। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मैं यहाँ से रोटेट कर देता हूँ। ये मैंने ऐसे रोटेट कर दिया और ये इसकी पोजीशन हो गई, राइट। अब इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन देखिए अभी भी ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। देख पा रहे होंगे आप, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो है इस फाइल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको लेयर्स में जाना है। लेयर्स में आपको ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन में जाइए और ऑटो ओरिएंटेड, ये आपसे पूछ रहा है ऑटो ओरिएंटेड आपको क्या करना है, ऑफ करना है या ऑटो ओरिएंटेड अलोंग पाथ करना है। तो आप इसे अलोंग पाथ करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही अलोंग पाथ करेंगे, अब आप देखिए ये रोटेशन होना इसका शुरू हो गया। बट इसको मैं जीरो कर दूं या इसको मैं इसके हिसाब से एडजस्ट कर दूं, दोनों ही चीजें हैं। देखिए अब मैं इसे ऐसे एडजस्ट कर देता हूं। अब आप देखिएगा, ये देखिए ये सर्किल को फॉलो करने लगा और आपकी पतंग उड़ने लगी। ये बीच में जो स्टॉप हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दोस्तों कि यहाँ पर जो ड्यूरेशन मैंने इतना आपको छोड़ दिया, अगर आप इसे यहाँ पर कर देंगे, लूप लगा देंगे, तो ये स्टॉप भी नहीं होगी और कंटिन्यूअसली ये प्ले होती रहेगी। ये देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो एक एनिमेशन आपका ये पाथ से सिर्फ कैसे बना, पोजिशन पाथ से, ये मैंने आपको बनाकर दिखाया आज की क्लास में। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर इनसे कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज आप कमेंट करके मेरे से पूछिए कि क्या बात है, मैं आपको वो सारी चीजें प्रॉपर वे में फिर से समझाऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा दोस्तों। और ये क्लास ऐसी थी जो इस क्लास का एक पार्ट है, हालांकि ये अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। अभी मुझे इसमें आपको कई चीजें और भी सिखानी है, जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि माउस के थ्रू अगर पाथ बनाकर, जैसे मैंने ये सर्किल बनाया, सर्किल के थ्रू अगर माउस के थ्रू पाथ बना दूं ऐसे 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 और उस पर इसको चलाना हो तो किस तरीके से ये चलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अगली क्लास में आपको वो भी सिखाऊंगा। और फिलहाल आप इन चीजों की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये याद रखिए, आप सीख नहीं पाएंगे। वीडियोस को पूरा देखिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सके। फिलहाल गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।